Assalamualaikum, welcome to KooKingK.com. आज हम बना रहे हैं श्रिम्प फहीटा. तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. श्रिम्प फहीटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम झींगों को अच्छे से वॉश कर लिया है. 1.5 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर वाइट पेपर ली है. आप चाहें तो इसकी जगह ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है. 1 खाने का चम्मच कटी हुई हरी मिर्च. 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक. आप चाहें तो गार्लिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं. और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है. तो सबसे पहले हम एक बाउल में झींगे डाल देंगे, साथ ही उसमें नमक, वाइट पेपर, कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्चें, साथ ही इसमें नींबू का रस डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके. इसके बाद एक पैन में हम 2 से 3 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देंगे. जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें मैरिनेट किए हुए श्रिम्प डाल देंगे और इसे तेज़ आंच पर अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता. तो यहाँ पर श्रिम्प का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है. अब हम इन्हें निकाल लेंगे. इसके बाद इसी पैन में हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें बेल पेपर डाल देंगे. मैंने यहाँ पर 4 किस्म की बेल पेपर्स ले ली हैं, इन्हें डाल देंगे. साथ ही हम इसके अंदर 1 अदद स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे. अब हम इन तमाम वेजीज़ के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, साथ ही 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम तेज़ आँच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए सौते करेंगे जब तक कि ये हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती. तो यहाँ पर वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं. अब हम इसके अंदर तैयार किए हुए श्रिम्प डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो लीजिए, मज़ेदार श्रिम्प फहीटा तैयार है. उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.